एक बार एक आदमी होता है, वो एक पहाड़ की चोटी पे जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक औरत बैठी होती है बिल्कुल अकेली। तो वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? जो औरत है वो उसे कहती है, मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। जो आदमी है कंफ्यूज हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो पूछता है कि मेरे को तो कुछ काम नहीं दिख रहा। जो औरत है वो कहती है कि मेरे को दो हॉक्स, दो ईगल, दो रैबिट, एक चीज, एक डोंकी और एक लायन को ट्रेन करना है। जो आदमी है और कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो वो औरत कहती है कि जो दो हॉक्स हैं वो मेरी आंखें, मैं अपनी आंखों को ट्रेन करना चाहती हूँ कि हर अच्छे और बुरे चीज में वो सिर्फ अच्छा ही देखे। जो दो ईगल हैं वो मेरे हाथ हैं, वो किसी पे भी झपट लेते, मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ कि वो किसी को हर्ट ना करें। जो रैबिट्स हैं वो वहीं पर जाते हैं जहाँ पे उनका मन करता है, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो मेरे पैर हैं, वो मुश्किल सिचुएशंस से भागते हैं। मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ कि मुश्किल सिचुएशन में भी काम कैसे करें। जो डोंकी है, डोंकी बहुत ही लेजी है, वो कुछ काम नहीं करता, बस प्रोक्रास्टिनेट करता रहता है। वो मेरी बॉडी है, मैं अपनी बॉडी को ट्रेन कर रही हूँ कि वो ज़्यादा लेजीनेस ना करे और स्ट्रांग बने, चीज़ों को कंप्लीट करे। जो स्नेक है वो सबसे मुश्किल है क्योंकि वो जहर उगलता रहता है। वो है हमारी जीभ, वो कभी भी किसी को भी बिना अनजाने किसी को भी हर्ट कर सकती है। तो मैं स्नेक को ट्रेन कर रही हूँ कि अपने आप पे कंट्रोल रखे और किसी को हर्ट ना करे। और जो लायन है वो तो भाई उसे लगता है कि वो राजा है, वो हमारा ईगो है जो हमें बंद करके रखता है, इसलिए हमें अपने आप को भी ट्रेन करना होगा। इस कारण दूसरों को जज और इवैल्यूएट करने से पहले खुद को हम ट्रेन करें, खुद को हम सुधारें, तभी हम दूसरों को कुछ कह सकते हैं। Thank you.